आज हम देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि पैरेलल ऑपरेशन करते क्यों है ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्टिव क्यों करते हैं। ट्रांसफार्मर पैरेलल कनेक्टिव इसलिए करते हैं ताकि उसकी केवी रेटिंग बढ़ सके। ठीक है, सिस्टम की केवी रेटिंग बढ़ जाए। जैसे एक सिंगल ट्रांसफार्मर अगर 100 केवी का लगा है लेकिन लोड रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 200 केवी है, ठीक है ना, तो एक और 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा के उसके साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड उसमें क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है ना, अगर 200 केवी की डिमांड है एक मोहल्ले की और आपके पास 100 केवी का एक ट्रांसफार्मर पहले से लगा, आप 100 केवी का और लगा सकते हैं पैरेलल में ताकि डिमांड उसकी पूरी हो सके। ठीक है ना, इसलिए बताया केवी रेटिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा है कि जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है मतलब अब जैसे दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगे हैं, अगर एक ट्रांसफार्मर मतलब डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, हमारे कोई भी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एक ट्रांसफार्मर जो है सर्विस में चलता रहेगा एट 50% लोड कैपेसिटी। ठीक है, तो इसलिए हम पैरेलल और ट्रांसफार्मर करते हैं टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी रिलायबिलिटी। ठीक है ना, ताकि दूसरा ट्रांसफार्मर लेके हम इन बिटवीन टाइम में उसको रिपेयरिंग करके तो फिर से जब रिपेयर हो जाए तो फुल लोड पे हम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं हमें ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगाने के लिए, वो क्या क्या है। अब ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। ठीक है ना, सबसे पहला उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है फेस और न्यूट्रल सेम होना चाहिए। जैसे ये सिंगल फेज है, ये प्राइमरी वाली साइड आ गई, इसकी फेस न्यूट्रल, ये पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी का फेस और ये सेकेंडरी का न्यूट्रल। ठीक है, तो ये है, ऐसा नहीं कि वो आपने न्यूट्रल जोड़ दिया उसके फेस के साथ दूसरे ट्रांसफार्मर के, मतलब ये जो न्यूट्रल है आप ये भी इसका फेस है, न्यूट्रल फेस को जोड़ना आपने फेस के साथ, ये जुड़ा हुआ इधर। ठीक है, इधर फेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो न्यूट्रल है न्यूट्रल आपने किसके साथ जोड़ना है, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ जोड़ना है। ठीक है, इसका न्यूट्रल सेम एक पॉइंट पर जुड़ गया। अब जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इसकी होगी पैरेलल में कनेक्ट, लाइक वाइज ये इसका जो प्राइमरी पॉइंट है ऊपर वाला फेस का, प्राइमरी का पी फेज सेकेंडरी का पी, तो ये पी फेज जो है किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये देखो इसके पी के साथ, ये पी और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल, पी पी आपस में जुड़ेंगे फिर जाकर कनेक्ट होगा पैरेलल। ऐसे न्यूट्रल न्यूट्रल जो है न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है इधर। ठीक है, ये वाला न्यूट्रल इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनको बाहर निकालो हमने इधर से, ये है फेस, फेस के साथ जुड़ेगा, सिंगल फेस में बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ जुड़ेगा, फिर ट्रांसफार्मर को हम मानेंगे ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, लाइकवाइज थ्री फेस में बात करेंगे, थ्री फेस में क्या कि आर आर के साथ जुड़ेगा, वाई वाई के साथ जुड़ेगा और बी बी के साथ जुड़ेगा, मतलब फेस सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम फेस सीक्वेंस ही आपने आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने आई के साथ जोड़ आई के साथ आई जोड़ दो फिर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, वो नहीं खतरा। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब यही है कि फेस फेस के साथ जुड़ा है, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ जुड़ा है, अलग सिंगल फेस है। ठीक है, ये सिंगल फेस के लिए, और थ्री फेस में आर आर के साथ जुड़ा, वाई वाई के साथ जुड़ा और बी बी के साथ जुड़ा है, थ्री फेस पैरेलल ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दूसरा है कि दोनों जो ट्रांसफार्मर है वो सेम फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है 40,000 पे काम कर रहा हूँ 50 पे, तो उनको भी जोड़ना आपस में शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। तीसरा क्या है कि परसेंटेज इंपीडेंस सेम होनी चाहिए फेस की, हर फेस की परसेंटेज इंपीडेंस सेम होनी चाहिए, नहीं तो सर्कुलेटिंग करंट से घूमने लग पड़ते हैं। ठीक है ना, अगर इंडोर की फेस इधर करंट घूमने लगता है, अंदर ही घूमता है, बाहर अलग करंट जाएगा, अंदर घूम जाएगा, वाइंडिंग के बीच में करंट घूमेगा, उसको सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा एक्स बाय आर जो है वो भी सेम होना चाहिए, टू स्टॉप सर्कुलेटिंग करंट जो मैंने बताया आपको, एक्स क्या है रिएक्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये वाली रेशियो भी सेम होनी चाहिए और परसेंटेज इंपीडेंस भी सेम होनी चाहिए टू कनेक्ट ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। तीसरा कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी सेम, मान लो इसकी प्राइमरी सेकेंडरी इसकी क्या है 220/110 वोल्टेज है, 220 साइड 220, इसकी भी 220/100 वोल्टेज होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज की रेटिंग तकरीबन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब मानो कई बार नीड आती है कि 100 केवी को ट्रांसफार्मर को जोड़ना है 150 केवी के साथ, लेकिन उन 150 केवी उनका क्या है कि फ्रिक्वेंसी सेम है, पोलैरिटी सेम है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिफरेंट केवी को भी आपस में जोड़ सकते हो आप पैरेलल में, प्रोवाइडेड उनका फेस सेम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, जो इनकी इक्विवेलेंट इंपीडेंस होगी वो होनी चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर के केवीए में। ठीक है, तो मतलब जिसकी कम
केवी होगी उसकी इम्पीडेंस ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी ज्यादा उसकी इम्पीडेंस कम होनी चाहिए टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट्स, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए अगर आपने डिफरेंट केवी के ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। उसमें क्या है, आपकी जो इम्पीडेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टू देयर केवी रेटिंग्स, ठीक है। केवी रेटिंग इंडिविजुअल केवी रेटिंग के हिसाब से उनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इम्पीडेंस टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट्स, ये। और दूसरा क्या है कि सेम टैप रेशियो होनी चाहिए। टैप रेशियो क्या है, जो सेकेंडरी में हम टैपर यूज करते हैं वोल्टेज टैप में, वोल्टेज जो चेंज करने के लिए टैपिंग यूज करते हैं, वो भी सेम रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो एक सिंगल टैप उसकी एक टैप 110 पे है, दूसरी टैप 180 पे है, तो दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की 115 पे है दूसरे, और उसी की जो सेकेंड टैपिंग है वो 190 पे, वो नहीं होनी चाहिए, सेम टैपिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। टैपर मतलब उनका दोनों टैप चेंज है या ऑटो टैप चेंजर की टैपिंग है वो सेम होनी चाहिए। फेस सीक्वेंस मैंने बता दिया, फेस सीक्वेंस सेम होना चाहिए दोनों का, एक का आर बाई बी है दूसरे को भी आर बाई बी के साथ ही जोड़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं आर को बाई के साथ जोड़ रहे, बाई को भी के साथ, वो गलती नहीं करनी। और क्या कंस्ट्रक्शन उनकी सेम होनी चाहिए, अगर कोर है तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी कोर होना चाहिए, अगर शेल है तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी शेल होना चाहिए जो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में जरूर ये चेक करनी है, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, तो ये चीज़ों को जरूर देखना, अदरवाइज जो है आपका जो पैरेलल ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर से देखेंगे पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, परसेंटेज इंपीडेंस सेम होनी चाहिए, एक्स वाई आर के भी एक्स वाई आर जो रेशियो है मतलब रेक्टनेस वाई रेसिस्टेंस रेशियो सेम होनी चाहिए टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट्स, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी जो है सेम होनी चाहिए, मतलब इसके कारण मतलब के सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए के सेम होना चाहिए। और क्या ट्रांसफार्मर विद डिफरेंट के भी अगर अलग अलग के भी अगर ट्रांसफार्मर जोड़ने हैं तो फिर उनकी इक्वल इंपीडेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टू अवॉइड देयर इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद सेम टैपिंग रेशियो होनी चाहिए, जो ओवरलोडर टैप है या ओवरलोड टैप चेंजर है उनकी टैपिंग जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब उनकी वोल्टेज रेशियो क्या होनी चाहिए टैप की, सेम होनी चाहिए। फिर क्या फेस सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ये पहले बताया ऊपर भी यही है, तो सेम कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अगर कोर है तो कोर का कोर वाले के साथ ही पैरेलल कनेक्ट करना है, शेल है तो शेल को शेल के साथ ही कनेक्ट करना है। अब क्या है कूलिंग ऑफ, ये हो गया तकरीबन टॉपिक कंप्लीट। अब करेंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है क्या क्या, किस किस टाइप की कूलिंग होती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, अब दूसरी कूलिंग पे आते हैं, ठीक है ना। किस किस टाइप की कूलिंग होती है वो हम बताएंगे अभी। अब क्या है, जैसे अभी आपके जो छोटे ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, छोटे ट्रांसफार्मर घर में लगाए होते हैं आपने, 5 KV के ट्रांसफार्मर, 10 KV के ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। उसमें क्या है कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने देखा होगा आग लगा के उसको हीट तो वो भी होते हैं, अब इतने ज़्यादा हीट नहीं होते लेकिन नॉर्मल हीट होता है। उसमें क्या है कि एटमोसफेयर जो है वो ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर, तो उसकी हीट ऑटोमेटिकली एयर के कॉन्टैक्ट में आके वाइंडिंग जो है कूल होती रहती है, क्योंकि वो कम रेटिंग का ट्रांसफार्मर, उसमें कूलिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। सबसे पहला कौन सा, एयर नेचुरल कूलिंग। नेचुरल कूलिंग मतलब जो ट्रांसफार्मर है तुम्हारा इसके अंदर वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है ना, आपको पता है इसमें वाइंडिंग लगी हुई है, इधर खाली जगह आपने देखा होगा उसमें वो वेंट्स होते हैं, एयर वेंट्स होते हैं, एयर इधर से आती है और इधर से बाहर चले जाती है, एयर इन एयर इधर कौन देखे, एयर के इधर खाली जगह होती है बॉडी के बीच में, इधर भी खाली जगह होती है, आपने देखा होगा सामने सुराख नजर आते हैं, तो वो क्या इधर एयर इसमें जाती है, एयर कॉन्टैक्ट में आती है, बाइंडिंग तो कूल होती है, इधर एयर गर्म होकर बाहर चले जाती है, तो इसमें भी सेट्स होता है। तो ये क्या है, एयर नेचुरल कूलिंग होती है, वो होगी ये वाली कूलिंग, इसको एयर टाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एयर नेचुरल टाइप कूलिंग। कहाँ यूज होती है, स्मॉल साइज हो ट्रांसफार्मर का, ठीक है, और लो वोल्टेज, छोटी डोमेस्टिक में जो यूज होता है हमारा कूलिंग वो कौन सी होती है, डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर में एयर नेचुरल कूलिंग होती है। दूसरी कौन सी है, ऑयल इमर्स नेचुरल कूलिंग, ऑयल इमर्स नेचुरल कूलिंग। इसमें क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, कंजर्वेटर होता है, ठीक है, कंजर्वेटर क्या है, फ्रीजर होता है। अब क्या है, इसको हम ऑयल से भर देते हैं, किससे भर देते हैं, ऑयल से, पूरा ऑयल से भरा होता है,
इसे ऑयल, कौन सा ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, इसके साइड में फिन्स होते हैं, ठीक है ना, ऑयल इसके अंदर घूमता रहता है ऑटोमेटिकली, हॉट ऑयल पता आपको ऊपर चलता है तो कूल ऑयल जो है नीचे आता है, तो ट्रांसफार्मर में ऐसे गर्म होता थोड़ा ऊपर आता है, ठंडा होता थोड़ा नीचे आता है, ऐसे घूमता रहता है थोड़ा सा ये, तो इसमें गैर नेचुरली एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, एयर कॉन्टैक्ट, इधर भी एयर कॉन्टैक्ट, अब इसके बाहर फिन्स लगे हैं, ठीक है ना, कूलिंग रॉड्स लगी होती हैं, फिर कूलिंग रॉड्स के अंदर क्या ऑयल घूम रहा है, तो ऑयल के अब पहले सिर्फ इतना था, अब कूलिंग रॉड्स नहीं है तो सरफेस एरिया बढ़ गया, ऑयल का क्या है सरफेस एरिया बढ़ गया, ऑयल सरफेस एरिया इंक्रीज, अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एयर के साथ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाएगा, गर्म ऑयल का गर्म ऑयल क्या है एयर के साथ क्या कूल होता रहेगा ऑटोमेटिकली ट्रैक में आके, तो इसको बोलेंगे ऑयल इमर्स्ड नेचुरल कूलिंग, थोड़े बड़े ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं, ठीक है ना, 250-500 KVA जो हमारे जो घर के आसपास सप्लाई ट्रांसफार्मर होते हैं, मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें ये वाली कूलिंग यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल ये वाली कूलिंग होती है। फिर आ गया ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग, अब क्या आ गया ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग, ऑयल इमर्स्ड आ गया, ऑयल इमर्स्ड वाटर, ठीक है, ये वैसे ही है, अब ट्रांसफार्मर है, सिंपल ट्रांसफार्मर है हमारा, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ऑयल में लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर आ गया, पर दूसरी जैकेट में ट्रांसफार्मर घुसाया हुआ है, बीच में क्या है ऑयल से भरा हुआ है, ठीक है ना, एक तरह से इसको समझ लो कोर है, ये क्या है ट्रांसफार्मर कोर, इसके अंदर क्या है ये पूरा ऑयल से भरा हुआ है, थोड़ी बड़ी ज्यादा रेटिंग में यूज करते हैं वो 500 KVA तक होता है, ये थोड़ा इसमें क्या है कि इसमें पाइप भी लगा देते हैं, ऑयल है ना, ऑयल में क्या एक्सटर्नल पाइप है, ये इस पाइप में क्या करते हैं वाटर भेजते हैं एक साइड से वाटर इन बाय पंप, पंप होता है पंप वाटर इसको डालता है एक साइड से, और ये वाटर पाइप है, इसके अंदर वाटर पाइप किसके अंदर है हॉट ऑयल के अंदर, हॉट ऑयल क्या कर रहा है इस पानी को गर्म करने की कोशिश कर रहा है, पानी बाहर आएगा इधर से वाटर आउट, ठीक है, ऐसे ही वापस इसमें घूमता रहता पानी, और पानी को हम बाहर जाए इसको स्प्रे करते हैं, ठीक है ना, स्प्रे करते हैं इसको पानी बाहर से, बाहर पानी बाहर जाता है इधर, तो इससे क्या है हीट लॉस हो जाता है, हीट लॉस क्या है इसकी वाइंडिंग गर्म हो रही है, वाइंडिंग इस ऑयल को गर्म कर रहा है, ऑयल किसको इसके पानी को गर्म कर रहा है, पाइप के अंदर पानी बाहर आके ठंडा हो रहा है, ठीक है ना, पानी फिर से हम इसको सर्कुलेट करते रहते हैं और कूलिंग होती रहती है, ज़्यादा बड़े ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, MVA में जिसकी रेटिंग होती है उसमें ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग, ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग आ गया, अब आ गया तुम्हारा ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड एयर, ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड एयर कूलिंग ये वाला, ठीक है, ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड एयर कूलिंग में क्या करते हैं, ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड एयर में क्या ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की बॉडी में से दो पाइप्स बाहर आती हैं, नीचे ऑयल पंप लगा होता है, इसमें क्या है फिन्स आ गए, अब इसी में इसी को इंक्रीज कर देते हैं, चलो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक जैकेट ये वाली आ गई, ठीक है, ऑयल इसमें से आ रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, कौन कर रहा है इसको पंप कर रहा है, पंप ऑयल पंप, ऑयल इधर से आ रहा है इधर जा रहा है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है हमारा, अब दूसरी जैकेट एक और लगाई होती है इसमें, ठीक है, इसको क्या कर रहा है एक साइड से क्या है वाटर जा रहा है, वाटर इन और वाटर आउट, जैसे ये थे ना वैसे ही है, बस इसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंस अलग है, ठीक है ना, अब इसमें क्या है इधर एक फैन लगा है, ठीक है, फैन लगाने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसा ही है, इसमें जैकेट में यूज करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी में जैकेट होती है, इंजन के ऊपर वाटर जैकेट होती है, ठीक है ना, इंजन के ऊपर एक पानी घूमता रहता है साइडों में, ऐसे ही ट्रांसफार्मर जो है इधर दूसरी जैकेट होती है ऑयल की, ऑयल की जैकेट के साथ में अटैच की होती है वाटर जैकेट, क्योंकि आप ऑयल जो है ट्रांसफर करता अपने ही वाटर जैकेट की साइड, तो जो है बाहर कूलिंग कर देते हैं, फैन लगा सकते हैं, इस कूलिंग बाहर इसको ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो ये इसी टाइप की कूलिंग के साथ सिमिलर है, बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऑयल ऑयल में फोर्स कर देते हैं ऑयल, ठीक है ना, इसमें वाटर फोर्स कर देते हैं,
इसमें इसके अंदर पंप यूज करते हैं ऑयल पंप, इसके अंदर पंप नहीं है ठीक है, इसमें ऑयल पंप होगा एक्स्ट्रा पार्ट और जैकेट्स अलग होंगी इसमें। क्या बोलेंगे इसको? ओ एफ एम कूलिंग, मतलब ऑयल इमर्स्ड वाटर फोर्स कूलिंग ठीक है ना, ओ एफ डब्ल्यू एम ठीक, ओ एफ डब्ल्यू ओ आई एफ डब्ल्यू ओ आई एफ डब्ल्यू ऑयल इमर्स्ड फैन क्या करेगा, इसको कूल करेगा, जैसे हवा करेगा, हाँ हवा इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगी तो कूल हो जाएगा ठीक है, एक्सेट जाएगा एक्सेट बाहर ठीक है। यह आ जाएगा फोर्स या एयर ब्लास्ट, यहाँ पे भी बता बनाया होगा, इसके नीचे फैन लगेगा ठीक है, तो ऑयल पंप इसको गर्म ऑयल इसमें पंप करेगा तो गर्म ऑयल इसके कॉन्टेक्ट में आएगा एयर के साथ तो एयर बाहर आ जाएगी ठीक है, तो यह आ जाएगा फोर्स एयर ब्लास्ट कूलिंग। कौन सा आएगा ये? फोर्स्ड एयर ब्लास्ट। ये नॉर्मली ग्रिड स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे होता है ठीक है, और जनरेटिंग स्टेशन में एमवीए में रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर में होता है ये यूज, बस यही था। अब जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है एयर ब्लास्ट होता है, एयर ब्लास्ट क्या है, छोटे ट्रांसफार्मर में यूज होता है ठीक है ना, उसके अंदर ना ऑयल होता ना कुछ होता, सिंपल कोर होता है जैसे अभी इधर था। एयर ब्लास्ट में क्या है, एयर ब्लास्ट सिंपल ट्रांसफार्मर है जैसे कोर है ठीक है, ये खाली जगह होती है, इधर एक फैन होता है, ये फैन इधर से एयर फेंकेगा, इधर भी खाली जगह होती है, एयर सिर्फ एयर ब्लास्ट है, इसको बोलते हैं हम एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट को ये बोले पांच नंबर ठीक है, एयर ब्लास्ट को ये भी टाइप भी बोलते हैं, लो रेटिंग ट्रांसफार्मर यूज होती है अप टू 25 केवी, छोटे ट्रांसफार्मर बहुत छोटे ट्रांसफार्मर ठीक है ना, 25 केवी तक यूज करेंगे, एक साइड से एयर आएगी एक साइड से बाहर जाएगी, कोई ऑयल नहीं होता इसके अंदर ठीक है। बस यही था आज के लिए, हम ये बच्चों क्वेश्चन आता है तो पेपर भी आता है, इसलिए हम जल्दबाजी में बनाया ये वीडियो, तो ये देख लेना क्या है ठीक है, तो बस इतना ही करेंगे हम, दूसरा लेक्चर अगला चलेंगे।